Hello students, today we study about the family Liliaceae. The member of this family is commonly known as Lily family. It is a characteristics representative of monocotyledonous plant. It is distributed worldwide. Liliaceae family एक monocotyledonous family है और ये worldwide distributed है. इसकी vegetative characteristics निम्नलिखित हैं, जैसे perennial herbs. एक तो ये herbaceous plant होते हैं, perennial होते हैं, बहुवर्षीय, and underground bulbs और corms और rhizome. इनके तने या तो bulb type के होते हैं या कॉर्म टाइम्स के या फिर राइजोम के, जो कि अंडरग्राउंड होते हैं. लीव्स मोस्टली बेसल, अल्टरनेट, लीनियर, एक्स स्टिपुलेट विथ पैरेलल वेनेशन. इनकी पत्तियां तने के साथ डायरेक्ट अटैच्ड होती हैं, बेसल होती हैं. एक नोड पर एक पत्ती होती है जिसे हम अल्टरनेट कहते हैं, लीनियर फैशन में है और विदाउट स्टिप्यूल होती है, एक्स स्टिपुलेट होती है. लीव्स में पैरेलल वेनेशन होता है, यानी कि सभी वेन्स एक दूसरे के पैरेलल होती है. नाउ द फ्लोरल कैरेक्टर्स. इनफ्लोरेसेंस यानी कि ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, वो सॉलिटरी भी हो सकता है और साइमोस भी हो सकता है. ऑफन अम्बिलेट क्लस्टर एक गुच्छे के रूप में होता है, अम्बिलेट क्लस्टर कहते हैं. फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन फ्लावर एक ही फ्लावर में होते हैं और उसे किसी भी रेडियाई पर काट लें, उसके दो इक्वल हाउस बनते हैं. फ्लावर में सेपल और पेटल्स की जगह पेरियंथ होते हैं, यानी कि इसमें सिक्स टेपल होते हैं या पेरियंथ, थ्री आउटसाइड और थ्री इनर साइड, यानी कि दो चक्र में होते हैं, तीन बाहर तीन अंदर, यूनाइटेड और आपस में जुड़े हुए होते हैं इनटू ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. एस्टाइवेशन वेलवेट टाइप का होता है. एंड्रोशियम अरेंजमेंट ऑफ स्टेमन्स, स्टेमन्स सिक्स होते हैं, थ्री प्लस थ्री यानी कि तीन बाहर और तीन अंदर वाले चक्र में, दो चक्र में होते हैं, टू हर्ल्स में होते हैं, थ्री स्लाइटली आउटसाइड थ्री इनर, एंड दे आर अटैच्ड टू टेपल्स जिसे हम एपिटेपलस या एपिफिलस कहते हैं.
गाइनेशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ट्राइकार्पिलरी होते हैं, मीन्स तीन कार्पल्स होते हैं और तीनों आपस में फ्यूज्ड होते हैं, जिसे सिनकार्पस कहते हैं। ओवरी सुपीरियर ट्राइलोकुलर विद मैनी ओव्यूल्स, तीन लोक्यूल्स होते हैं जिनमें बहुत से ओव्यूल्स हैं और ओव्यूल्स एक्सिस के बीच में लगे होते हैं, जिसे हम एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं। फ्रूट कैप्सूल टाइप के होते हैं और रेयरली बेरी टाइप के होते हैं। सीड एंडोस्पर्मस, यानी कि इनका जो फूड है वो एंडोस्पर्म के अंदर होता है। फ्लोरल फॉर्मूला, जैसे कि फ्लावर की हमने स्ट्रक्चर देखी, फ्लावर ब्रैक्टिएट है तो सबसे पहले उसका सिंबल डेनोट करते हैं BR, फिर एक्टिनोमॉर्फिक है उसका सिंबल डेनोट करते हैं, बाईसेक्सुअल है तो बाईसेक्सुअल का सिंबल लिखते हैं, फिर पेरियंथ 6 है, 6 टेपल है, 3 बाहर की तरफ 3 अंदर की तरफ, तो P 3+3, यानी कि पेरियंथ 3+3 एंड दीज पेरियंथ आर फ्यूज्ड, आपस में जुड़े होते हैं, तो उन्हें ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। एंड्रोसियम 6 स्टैमेंस हैं, 3+3, 3 आउटर टेपल्स पर फ्यूज्ड हैं और 3 इनर। गाइनेशियम ट्राइक कार्पिलरी ट्राइलोकुलेट, कार्पल्स आर फ्यूज्ड, ओवरी इज सुपीरियर। नाउ द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंटल। इस फैमिली के प्लांट्स को हम सुंदरता के लिए, सजावट के लिए अपने पार्कों में लगाते हैं, लाइक द टूलिप ग्लोरियोसा। सम प्लांट्स आर सोर्सेज ऑफ मेडिसिन, लाइक द एलोई एलोवेरा। सम प्लांट्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स, लाइक एस्पेरेगस एंड कोलकिसिन, कोल कीकम, ऑटमनेल। नाउ द फ्लोरल डायग्राम, दिस इज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ दिस फैमिली प्लांट। दिस शो द मदर एक्सिस, सिक्स टेपल्स, 3 आउटसाइड एंड 3 इनर साइड। स्टेमन्स आर फ्यूज्ड, आर अटैच्ड एट टेपल्स, एपिटेपलस। एंड गाइनेशियम ट्राइकार्पिलरी एंड एक्साइल प्लेसेंटेशन।